10 रुपया किलो गोभी, 10 रुपया, 10 रुपया, 10 रुपया। तो फाइनली गोभी भी खरीद के ले आया है, ये देखो कॉलीफ्लावर। भाई साहब मैं सब्जी लेके आया हूँ, मात्र 3300 की सब्जियाँ बेच कर अपन कितने रुपए अर्न कर पाए वाले भाटा वाले करेला वाले। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप लोग। वापस से आप सभी का स्वागत है एक और न्यू ब्लॉग में। तो गाइस अभी बज रहे हैं सुबह के 6 नहीं ज़्यादा हो रहा है, 6:30 बज रहे हैं। और अभी जा रहा हूँ मैं कल का जो सब्जी थोड़ा थोड़ा बचा है ना उसको लेके बेचने। हे भाटा गोभी टमाटर। तो गाइस सुबह सुबह देखो यहाँ है बेच रहे और बहुत सारा सामान बेच लिए रास्ते में, बेचते बेचते आ रहे थे। देखो टमाटर भी बिक गया है और लाल भाजी तो ख़त्म ही हो गया, गोभी भी थोड़ा सा बचे हैं, ये देखो थोड़ा सा गोभी और थोड़ा सा बैंगन। देखते हैं कितना टाइम और लगता है बेचने में। भाई साहब यहाँ बेचते हैं इस मोहल्ले में, यहाँ बच्चे ही बच्चे। ये देखो निशा बेटी, क्या लेगी निशा, क्या ले बे? पताल। पताल टमाटर लेगी और गोभी, गोभी तको और सेमी, सेमी तको। भाई साहब सेमी भी लूंगी बोल रही है निशा जो है। अभी अभी जो आमे तो पात हो इधर आ। ये देखो गोभी जो है लेके गई है, गोभी लिए इसने आधा केजी है ना। ठंड लग रहा है तेरे को, स्कूल जाती है, कितना पढ़ती है? दूसरी पढ़ती है भाई निशा जो है। ये देखो निशा का घर, तेरे पापा क्या कर रहे, सोए है? इसके पापा भी सोए हैं। गोभी वोभी ले ही का, चलो भाई साहब सब्जी को बेचते हैं फिर। बाय बाय निशा, जात हूँ मैं, टाटा कर दे। ठीक चलो फिर चलते हैं भाई यहाँ से आगे। और ए भाटा गोभी टमाटर हे यारे का थोड़े चल तो दी। कार वाला बोलता है भाई कि का अपने बाइक को पीछे साइड में करो, बीच में खड़ा करो करके चिल्ला के जा रहा है। फिलहाल सब्जियों को बेच के आ चुका हूँ घर। ये देखो रख दिया है सामान को नीचे और चलो फिर अभी जो है एडिटिंग कर लेता हूँ यार, क्योंकि एडिटिंग आज भी नाइट में नहीं कर पाया था। पहले एडिटिंग ख़त्म कर लेता हूँ अपना, फिर एडिटिंग ख़त्म करने के बाद ना बाकी काम करेंगे। तो गाइस फाइनली एडिटिंग कंप्लीट हो गया, वीडियो अपलोड भी हो गया। तो गाइस अभी बज रहे हैं सुबह के 8:30 और फाइनली अपना मंडी जाने का टाइम हो गया है। तो चलो गाड़ी तो रेडी है जाने के लिए। और आज जो है आज बहुत सारी सब्जियां जो है मैं खरीदने वाला हूँ। लगभग आज देवरी का मार्केट है तो देख सकते हैं गाड़ी पीछे रेडी है। चलो चलते भाई साहब मंडी। ये देखो गाड़ी जो है अपना रेडी है, चलो। ये देखो भाई साहब किसान लेके जा रहे हैं गोभी। भैया जो है काट है क्या गोभी, भैया काट है गोभी 22। फिलहाल 9 बज रहे हैं और पहुंच चुके हैं तखतपुर सब्जी मंडी। और देख सकते हैं आज 9 बज रहे हैं फिर भी खाली है यार, काफ़ी माहौल लग नहीं रहे। देखिए इधर गाड़ी को मैंने यहाँ खड़ा कर दिया है कि कोई पब्लिक अभी दिख नहीं रहा है, मंडी भी साइड खाली है। तो चलो पहले कमीशन की तरफ चलते हैं, इधर सोते हुए रेट पता करते ऐसे एक राउंड मारते हैं भाई साहब। ये देखो भाई साहब टमाटर आया हुआ है, पूरा लोकल टमाटर, क्वालिटी देख सकते हो भाई साहब बहुत बढ़िया। कैरेट मामा 280 रुपये, 280 रुपये कैरेट है भैया आज टमाटर जो है। और अभी मंडी पूरा ढीला ढाला लग रहा है, खाली खाली लग रहा है, समझ नहीं आ रहा है क्या करूं। पहले घूम लेते हैं एक बार, देख लेते हैं क्या क्या रेट चल रहा है और कितना सारा टमाटर है मंडी, फिर उसके बाद खरीदते हैं भाई। मंडी में रेट आलू आना शुरू हो गया है, देख सकते हैं लाली वाला आलू। ये देखो ब्रांड आलू लाल, कितने रुपए किलो लगी? 30 रुपए किलो। कुछ कम गुंजाइश? गुंजाइश बाद में देखेंगे यार। हाँ तो मैं तो अभी खरीद रहा हूँ भाई, तो बाद में क्या है। आधा एक कैरेट दे दे भाई। भाई साहब क्वालिटी देखो आलू का। रेड वाला आलू है ये भाई, 26 किलो। भाई साहब आलू खरीदने के बाद देखो गोभी खरीदने आए हैं जो कि 16 रुपए किलो बता रहे हैं। क्वालिटी देखो थोड़ा साइज बड़ा है, देख सकते हैं पीछे जो बोली हो रहा है सब्जियों का। चलो अपन भी खरीदते हैं और बोली मारते हैं। 10 रुपया किलो गोभी, 10 रुपया, 10 रुपया, 10 रुपया, 10 रुपया, 1 नंबर गोभी, 11 रुपया, 11 रुपया, 11 रुपया, 11 रुपया। अभी देखो बैगन लेके आया है, ये देखो भाई साहब बहुत तगड़ा क्वालिटी है बैगन। क्या ले लिए लो भैया? गोभी भाई कितना रुपए? 17 भाई 17। ठीक है ठीक है, चलो भाई हैं। नहीं नहीं ठीक है ठीक है, बैगन को भरवाते हैं भाई साहब अपना। ये छोटे भाई के लिए है, कहाँ से आता है छोटे? बथरी। स्कूल जाता है? हाँ। कितना पढ़ता है? सातवीं। सातवीं, चल बढ़िया है भाई। अभी स्कूल जाएगा? हाँ।
और यार सब्जी बेचने के बाद स्कूल भी जाएगा छोटे जो है, सामान तो इसके जल्दी से भरवाता हूँ मैं, फिर गोभी बस और खरीदना है मेरे को। फाइनली गोभी भी खरीद के ले आया है, ये देखो कॉलीफ्लावर एक झोला, ये लगभग आया भाई साहब 25-33 किलो गोभी आया है। तो चलो गोभी को फटाफट से अपने झोले में ट्रांसफर करते हैं, फिर निकलते हैं। लगभग लगभग सब सामान तो हो गया भाई साहब। एक नंबर गोभी पते, एक नंबर है ना। तो गोभी और सभी सब्जियां खरीदने का अभी आया हूँ मैं टमाटर लेने, देख सकते हैं इधर गोभी हो रहा है भाई साहब टमाटर का। ये देखो कितना कट रहा है छोटो, कितना कट रहा टमाटर भाई? 200-300। 200-300 और देखो 210-20 कट रहा है भाई। चलो मैं गोली मारता हूँ टमाटर का यार, दो कैट बस खरीदना है, ज्यादा नहीं खरीदेंगे। फिलहाल सामान हो गया, देख सकते हैं पूरा लोड खचा खच। तो चलो गाइस निकलते फिर यहाँ से घर भाई साहब। फिलहाल घर पहुँच चुके हैं और देखो सामान को उतार लिया भाई पूरा नीचे, हाथ हाथ दर्द करने लग गया यार। आज सामान को ना थोड़ा सा अजीब टाइप से पैक हो गया था, ले दे के सामान जो है घर पहुँचा भाई। बहुत सारा सामान जो है आज मैं लेके आया हूँ, कितने के लेके आया हूँ उसको अभी नहा ले रहा हूँ, खाना वाना खाता हूँ, फिर उसके बाद कैलकुलेट करके मार्केट जाने के टाइम आप लोग को बता दूँ कि टोटल कितने रुपए की सब्जी अपन आज लेके आए हैं। तो गाइस फिलहाल अभी 2:30 हो रहे हैं और सामान को पिक करना है मार्केट जाने के लिए। उससे पहले आप लोग को बता दे रहा हूँ कि आज भाई साहब मैं सब्जी लेके आया हूँ, टोटल मिला के अपने हो जाते हैं 3158 रुपये और 100 रुपये का पेट्रोल, मतलब कि 3258 रुपये। 3258 मतलब कि अप्रॉक्सीमेटली अपन मान लेते हैं उसमें 48 रुपीज़ कम है 3300 रुपीज़ में। और बहुत सारा सामान जो है 3300 मतलब 3300 रुपये में बहुत सारा सामान आज आया है, क्योंकि सब्जियां जो है काफ़ी सस्ती हो गई है इसलिए। और पूरा गाड़ी देखना पैक हो जाएगा भाई। चलो गाड़ी को पैक करते हैं और दिखाता हूँ आप लोग कितना सारा सामान है मार्केट में, देखना काफ़ी मज़ा आएगा। तो वीडियो को पूरा जरूर देखना और देखते हैं कि आज मात्र 3300 की सब्जियां बेचकर अपन कितने रुपये अर्न कर पाते हैं। तो चलो पहले पैक करते हैं और निकलते भाई साहब यहाँ से। तो भाई साहब देख सकते हैं फाइनली गाड़ी जो है लोड हो चुका है और सामान देखिए यार थोड़ा सा ज़्यादा है। तो चलो फिर अब यहाँ से निकलते हैं मार्केट के लिए। फिलहाल गाइस मार्केट तो पहुँच चुके हैं, सामान को भी देखो उतार लिया है और अपना बोरी फट्टी की जगह पे देखो लगा लिया है। देखो मार्केट देख सकते हैं भाई साहब अभी लगा नहीं है दुकान जो है, तो चलो दुकान को जो है लगाते हैं अपना। फिलहाल दुकान जो है अपना रेडी है, लगा लिया है और देखो दुकान जो है ना बहुत अच्छी तरीके से आज लगाया है। बहुत सारी सब्जी जो है मैंने लेके आया है, देखो आप लोगों को दिखा रहा हूँ। ये देख सकते हैं भाई साहब ये है अपना शॉप। आलू वाले, भाटा वाले, करेला वाले, आगे 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 भैया, लोकल आलू, आलू वाले, आलू वाले, आलू वाले। टमाटर हो गएगा आलू 40, हाँ नया आलू, लाली आलू है, एक नंबर टमाटर, देख सकते हैं भाई साहब टमाटर 15 रुपए किलो क्वालिटी वाला। आगे भैया आलू वाले, आलू वाले। कस्टमर सही सलामत आ रहा है, ठीक ठाक चल रहा है मार्केट अभी तक, लग रहा है कि अच्छा खासा निकल जाएगा। देख सकते हैं भीड़ है बढ़िया से लोगों का, मार्केट देखिए, ये देख सकते हैं भाई साहब। हाँ भैया सेमी ले जाना 20 रुपए पाव है यार, आधा किलो 30 ले जा, ले जा। हाँ सेमी देते भाई साहब एक पाव। आओ कुछ ना भैया, गोभी भाटा करेला। तो भाई साहब अभी जो है शाम के बज रहे हैं 7 और देख सकते हैं मार्केट हो चुका है ख़त्म, शांत हो चुका है मार्केट। देखो लगभग बहुत लोगों ने अपना सामान उठा लिया है और मेरा सामान यार सही सलामत रेट में बिका, बहुत सारा आइटम जो निकल गया है लेकिन बच गया है यार। देख सकते हैं आलू बच गया, थोड़ा सा बैगन, भाटा 20 रुपये भैया, 20 रुपये किलो भाटा। और बैगन तो देखो पूरा ही बचा है, करेला निकल गया, टमाटर निकल गया, बरबट्टी भी निकल गया, सेमी गोभी सब निकल गया भाई, सिर्फ बैगन बस बच गया यार, बहुत सारा बैगन जो है बचा है। अब चलो सामान को जो है मैं भी उठाता हूँ यहाँ से अपना, धीरे धीरे उठा लेते हैं फिर निकलते हैं भाई साहब घर। तो भाई साहब फिलहाल पूरा सामान को उठा लिया है और गाड़ी पे पैक भी कर लिया है, देख सकते हैं पूरा रेडी है, जगह भी देख सकते हैं पूरा खाली है भाई साहब।
बस अब चलो यहाँ से निकलते भाई घर। तो भाई साहब फिलहाल घर पहुँच चुके हैं और देखो सब्जी जो है ना बचा हुआ है भाई साहब, बैगन बच गया पूरा पूरा 1 कैरेट बैगन और रेड वाला आलू बचा है। और ये टमाटर जो है ना, टमाटर मेरा बिक गया है, पूरा बिक गया था। इसको जो है मैं 10 किलो जो है टमाटर अलग से खरीदा, वहाँ मार्केट में 10 किलो टमाटर खरीदा मैं। तो देखो नाना जो है टीवी देख रहे हैं। बाबू का देखा था टीवी काया है? उसमें आया भगवान कृष्ण, देखो भगवान कृष्ण, श्री कृष्ण द्वारिकाधीश देख रहे हैं भाई साहब। नाना द्वारिकाधीश देख रहे हैं। लगभग सभी आइटम बिक गए, थोड़ा सा आलू बचे हैं और भाटा बैगन मतलब पूरा बचे हैं। तो उसके साथ में बेचने के लिए मैंने टमाटर और खरीद लिया, क्योंकि सुबह जाता तो पब्लिक जो है टमाटर नहीं लाया करके बोलती, तो 10 किलो टमाटर सुफिशियंट है, उसको चलेंगे सुबह बेचने। और भाई साहब मार्केट ना ठीक ठाक था, बहुत बढ़िया था। और गाइस देख सकते हैं बहुत अच्छा धंधा हुआ, मतलब बहुत बढ़िया मैंने बेच लिया है। अपन सामान लेके आए थे 3300 रुपीज का वेजिटेबल्स, जिसको मैंने अभी फिलहाल 3600 रुपीज का बेच चुका है, मतलब कि 300 रुपीज का प्रॉफिट अर्न हो गया है। और जो बचा हुआ है ना आलू बैगन और टमाटर, वो है और मोर प्रॉफिट, तो उसको जाएंगे सवेरे बेचने और देखते हैं कि सवेरे कितने का मैं बेच पाता हूँ और टोटल मिला के कितना अर्निंग कर पाते हैं, वो तो सुबह ही पता चलेगा। लेकिन फिलहाल 300 रुपीज का प्रॉफिट बहुत बढ़िया प्रॉफिट है भाई, बढ़िया लगा। मतलब लगभग मैं 3 दिनों से 1 रुपये अर्न नहीं कर पा रहा था, तो बहुत ज़्यादा डिमोटिवेटिंग था, मन नहीं लग रहा था बेचने का। लेकिन भाई फिलहाल मतलब फाइनली अपने को मेहनत का फल मिला और आज मार्केट अच्छा रहा और प्रॉफिट हो गया, मतलब बहुत बढ़िया रहा। तो इससे गाइस सीख ये मिलती है कि बिजनेस में ना ऊपर नीचे जो है चलता रहता है, जैसे हमें नुकसान होता है तो हम लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं कि सही नहीं है, छोड़ देना चाहिए करके। तो छोड़ना नहीं है अपने को, कुछ भी काम रहे चाहे। फिलहाल गाइस इसी के साथ आज के ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं और मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ में। तब तक ला सभी को जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। सामने यूट्यूब बना था, हाँ मैं बना था भैया।